ऑलमोस्ट पैक कर ही दिए थे। मैंने अच्छे से सूट पहन लिया है और चूड़ी मैंने पहन ली। तो आजकल जो अर्थ की मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो बस कुछ पजल्स के साथ होती है, जो मैंने उसके लिए अभी हाल ही में परचेज करी है, जिसमें उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो आज सोते उठते साथ ही वो बस पजल अपनी लगाने में बिजी हो गया था। वेलकम बैक टू चैनल द मॉमीशियस। तो आज है मंडे और अभी ना 10:30 हो रहे हैं और अभी अभी सर्कुलर आया है कि दोनों बच्चों का मतलब अर्थ का तो हॉलीडे हो गया है और अथर्व का आज ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और कंटिन्यू मुझे लगता है 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है। कल भी पूरी रात बारिश भी थी और लाइट नहीं थी, लाइट का भी ना ऐसी हो रहा है, कभी आ रही है कभी जा रही है इस वजह से। चलो ठीक है यार, ऑनलाइन क्लास ठीक है। मुझे मॉर्निंग से ना मैं यही सोच रही थी, यार सुरेश भी मुझे यही बोल रहा था कि बहुत तेज बारिश रहेगी तो बच्चों को आज नहीं भेजना, क्योंकि वेदर बहुत खराब है, ऊपर से यहाँ पर अलर्ट भी है मुंबई में। तो देखते हैं यार, और बट अच्छा हुआ कि अर्थ की क्लास नहीं है ऑनलाइन, क्योंकि दोनों का ना ऑनलाइन क्लास एक साथ बहुत डिफिकल्ट होता है और अर्थ ना इतनी देर बैठ नहीं पाता है, उसके साथ मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा ही हुआ कि उसकी हॉलीडे हो गई। अथर्व का अभी 12:30 से स्टार्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर तो बच्चों के मिस हो ही जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट सर्कुलर आया है। और आज है सावन का फर्स्ट मंडे, तो व्रत तो मेरा नहीं है आज, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं आज कुछ ना कुछ बनाऊंगी। इवनिंग में खीर वगैरह जनरली बनते हैं हमारे घर में ना। चलिए फिर आज का दिन हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो 10:30 के अराउंड मैं जनरली बच्चों का टिफिन पैक कर ही देती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी चीले बना दिए थे, सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने रख दिए थे और अर्थ का टिफिन भी मैंने पैक कर दिया था। सब कुछ ऑलरेडी मेरा पैक हो चुका था, मतलब दिन की जो होती है वो पूरी तैयारी हो गई थी, बट सडनली सर्कुलर आ गया इनकी हॉलीडेज का और बच्चे दोनों फिर बिजी हो गए अपने खेलने में। अभी आज तो ये दोनों बस खेलने में ही पूरा दिन जो है वो अपना निकाल लेंगे। मुझे ताकि मैं बच्चों को ड्रॉप करके आऊंगी स्कूल और उसके बाद मैं रेडी होंगी, थोड़ा चूड़ी वगैरह पहनूंगी, बट अभी बच्चे तो घर पे ही है, तो फिर अभी मैंने अच्छे से सूट पहन लिया है और चूड़ी मैंने पहन ली है। तो यार चूड़ी ना इस बार मैंने नई ली ही नहीं, यानी पुरानी चूड़ियां मुझे पहननी पड़ रही है। इतनी बारिश हो रही है ना कि जाने का भी नहीं हुआ मुझे इस वीक कि मैं कुछ अपने लिए परचेज ही करके ले आती। तो वही अभी दोनों बच्चे बस लूडो खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तो क्लासेस तो अभी थोड़ा लेट ही है और अर्थु की तो छुट्टी ही है तो बस आज दिन भर इनका पूरा मस्ती चलने वाला। अथर्व की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी, तो उसके संग ऐसा नहीं है कि बस पूरा टाइम बैठना ही होता है उसको, बस थोड़ा बहुत मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ, अदरवाइज वो खुद से ही हर चीज मैनेज कर लेता है क्लास में। तो अर्थ के लिए ना एक मैंने पजल लिया था अभी ना, ये एनिमल्स की पजल है, तो इसमें 3 और 5 के अक्रॉस आई थिंक ये पजल है। और ना इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रखा है ना, जब से इसको ये पजल मिली है कल से, तब से ये बस यही पजल ही लगा रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है एक दिन में ही। तो जब तक अथर्व की ऑनलाइन क्लास चलती है ना, तब तक मैं अर्थ को थोड़ा बहुत मैं बिजी करके रखती हूँ और उसके बाद मैंने उसको लंच वगैरह कराया और उसको मैंने सुला दिया था, क्योंकि ना फिर वो अथर्व के साथ बैठ जाता है उसकी ऑनलाइन क्लास में ना, और फिर उसको भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और इस बीच ना यार बहुत तेज बारिश हुई और बाहर मैंने कपड़े ऑलरेडी डाले हुए थे, मुझे लगा ये दोबारा से शायद भीग ना गए हो, इस वजह से मैंने वो उठा के वापस उनको अंदर फैन में मैंने सुखा लिए थे। और
अथर्व का भी लंच टाइम हो ही गया था, तो फिर मैंने उसको भी लंच दे दिया था, बट वो क्लास में बैठ के ही अपना लंच कर रहा था क्योंकि ज़्यादा टाइम का उनका ब्रेक नहीं मिला था इस वजह से। और फिर मैंने काम किया थोड़ा बहुत किचन का, क्योंकि दोनों बच्चे अभी अपने अपना बिजी थे, तो मुझे लगा चलो मैं किचन ही अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से ना मैंने कुछ भी, बस बोलते ना जो खाना होता है वो मैं बनाती हूँ, जो क्लीनिंग होती है ना वो मेरी नहीं हुई थी, तो मुझे लगा चलो इस टाइम पर मैं पूरी किचन क्लीन कर लेती हूँ। और आज सावन का भी पहला सोमवार था, तो मुझे खीर भी बनानी थी, तो उसको भी मुझे लगा कि मैं चढ़ा देती हूँ खीर बनने भी, साथ साथ वो बनती भी रहेगी और जो काम है मेरे छोटे मोटे वो भी सब चलते ही रहेंगे किचन के। आज ना अचानक से, क्योंकि हॉलीडे हो गई ना बच्चों की, तो कुछ भी है ना पहले से मैंने कुछ भी प्लानिंग करके नहीं रखी थी कि क्या बनाना है दिन में क्या करना है, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ जब बच्चे घर पे होते हैं, बट आज क्या है कि स्कूल भी है लेकिन ऑनलाइन क्लास है, और वो भी अचानक से ही, अर्थ की भी अचानक से ही हॉलीडे हो गया, तो बस सब कुछ अनप्लान्ड ही चल रहा था इस टाइम पे भी। थोड़ा बहुत मेरा काम हो गया है और अभी मैं अपने लिए चाय लेकर आई हूँ, क्योंकि अर्थ भी सो गया है और अथर्व का भी लंच ओवर हो चुका है, तो ऑनलाइन क्लास में ना लंच का इतना कम टाइम मिलता है ना यार सही में, वो तो आज मतलब बाई चांस वाली बात होगी कि मैंने चीले मॉर्निंग में बना दिए थे तो बच्चों ने वही खा लिया, अदरवाइज जब घर पे होता है ना बच्चे तब मैं राइस दाल वगैरह मतलब प्रॉपर लंच ही बनाती हूँ, बट आज ना सुबह ही चीले बन चुके थे, तो फिर एक बार अगर बच्चे देख लेते ना अथर्व देख लेगा कि चीले बने तब तो वो चीले ही खाएगा, तो वही, और इतना कम मतलब 15 मिनट्स का टाइम मिलता है और ना सही में ऐसे ही खाता है अथर्व, चलते चलते ही खाएगा। बट आज ये कि आज सारी क्लासेस नहीं है, उसके लास्ट के भी एक दो लेक्चर नहीं है, तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी उसकी ऑनलाइन क्लास ना, बट ऑनलाइन क्लास में ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है ना वो लंच की लगती है, ऊपर से फिर व्हाइट शर्ट में बच्चे फिर खाना भी प्रॉपर तरीके से कहाँ खा पाते हैं ना। मैं बस अभी चाय पीऊंगी और थोड़ी सी वर्मिसल भी लाई हूँ यार, मैं सुबह थोड़ी सी बच गई थी तो मुझे लगा अभी मैं खत्म कर देती हूँ, और इतनी तेज बारिश हुई ना अभी, वेदर काफी खराब हो रखा है यार यहाँ पर, अच्छा ही हुआ कि आज वैसे बच्चे घर पे ही हैं, अदरवाइज ना थोड़ा डिफिकल्ट हुई हो जाता, अगर स्कूल भी अगर ओपन रहता ना तो फिर लेने भी जाना पड़ता ना अर्थ को, तो भी काफी बारिश है तो बेटर है चलो घर पे ही ठीक है आज। तो अथर्व की क्लास भी थोड़ा सा जल्दी ही आज खत्म हो गई थी, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ा एक सैंडविच बना दिया था, उसको सैंडविच वैसे ही बहुत पसंद है, तो वो मुझे सुबह से ही बोल रहा था कि मुझे सैंडविच चाहिए, तो मैंने कहा चलो अभी इस टाइम पे ही खा लो सैंडविच। और इस बीच जो खीर बन रही थी वो भी मेरी रेडी हो गई थी, साथ साथ मैंने राजमा रखे हुए थे बॉयल होने के लिए, आज रात को मैं सिंपल से राजमा और राइस ही बनाऊंगी। आज का पूरा दिन हम लोगों का बस ऐसे ही रहा घर पे, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा रहा, और इवनिंग में अर्थू भी उठ गया था तो बस थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह बच्चों ने खाए, और मैं कर रही थी मॉर्निंग की प्रिपरेशन, क्योंकि मॉर्निंग के लिए सब्जी वगैरह भी मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ, और आजकल ना इवनिंग में कुछ आउटडोर टाइम भी नहीं हमारा हो पा रहा है, तो इस टाइम पे बच्चों को मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ या फिर कुछ एक्टिविटी करनी होती है तो वो भी मैं करवा देती हूँ मतलब ना, तो बस ऐसे ही रहता है। और अर्थू भी बस यहाँ पर बिजी हो जाता है जब अथर्व पड़ता है, तो वो भी कोई ना कोई अपनी बुक लेकर या क्राफ्ट का कोई सामान लेकर आ जाता है और हम लोगों के साथ यहाँ पर आके ऐसे बैठ जाता है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने खाना भी रेडी कर दिया था और फिर हो गया था डिनर का टाइम, और आज का दिन हमारा बस कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ यार पता ही नहीं चला, बच्चे यहाँ पर बैठ गए थे क्योंकि उनको काफी भूख लग गई थी इस टाइम तक। आज ना दोनों बच्चों को थोड़ा जल्दी भूख लग गई थी, इस वजह से मैंने दोनों बच्चों को थोड़ा जल्दी दे दिया है खाना ना, और फ्रेश अभी नहीं आया है घर ना, और इस वाले ब्लॉग को ना मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।